वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कोई भी समस्या नहीं, सिर्फ इस समस्या थी ये थर्मोस्टेट की। जैसे ये टेम्परेचर आ रहा था ये चिपका रह गया था, ये पूरा काम कर रहा है, गर्म कर रहा है एकदम। आज क्या हमारे पास एक ये बजाज का रूम हीटर है, ये रूम हीटर में क्या है ये चल नहीं रहा, यानी इसमें कुछ दिक्कत आ गई, तो हम इसकी वायरिंग भी समझेंगे और इसमें क्या क्या होता है कैसे वो सब चीज़ समझेंगे, अभी देखते हैं। जे इसका नेम टैग लगा हुआ है, ये नेम टैग पे कितने वाट का है, ये 2000 वाट का है, 230 वोल्ट पे काम कर रहा है। अब इसको हम खोलेंगे, खोलने के लिए ये सारे पेज ओपन करके इसको देखेंगे और इसकी वायरिंग समझेंगे क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। इसको खोलेंगे कैसे, ये सामने से इसका कवर था ना, ये टेस्टर पेचकस की मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकाल लेंगे तब इसमें दिख रहा होगा ये इसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये इसमें क्या ये जंग लग गई है पूरी तरीके से, जो हो गया ख़राब ख़राब हो गया, तो इसमें से ये सप्लाई आ गई, हीटर को जाने नहीं दे रहा। और भी चीज़ इसकी चेक करेंगे हम चला के, और कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है इसमें। अब ये पूरा खुल गया, पूरा क्या देखो इसकी, ये दोनों तरफ से फैन लगे हैं, ये हवा देते हैं आगे की तरफ आते हैं, और ये इसकी अभी वायरिंग समझते हैं अपन, इसकी वायरिंग होती कैसे कैसे क्या होता है। इसमें कुछ भी नहीं है, नीचे से अपने फेज न्यूट्रल लगे हैं हीटर में, और ये इसका थर्मोस्टेट टेम्परेचर आने पर, और ये मोटर का, और ये अपना टेम्परेचर जो आपको जिस हिसाब से चाहिए थर्मोमीटर का उसका है। अभी क्या अब इसकी वायरिंग की समझेंगे। देखो वायरिंग में इसमें क्या है, ध्यान से समझने वाली बात है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। सबसे पहले इसमें यहाँ पे फेज, ये न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल दोनों यहाँ पे आए, फेज न्यूट्रल दोनों आए तो क्या हुआ, हमारा न्यूट्रल हमने कहाँ दे दिया, इनने डायरेक्ट दे दिया थर्मोस्टेट से। पहले जाएगा न्यूट्रल थर्मोस्टेट पे, यदि थर्मोस्टेट कट हो गया तो हीटर को काम नहीं करने देगा। फिर ये यहाँ से घूम के आया, सीधा कहाँ गया है देखिए, ये घूम के आया और ये चला गया कहाँ पे, अपना इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर गया ये इसके मेन में चला गया, किसके, अपने थर्मोमीटर के, यहाँ पे आप सेट करोगे वहाँ पे मेन पे चला गया। अब इसने क्या किया, इसको आउटपुट करके इसको दिया यहाँ पे दोनों हीटरों को, यहाँ पे देखिए ये दोनों हीटर लगे हैं इसके, ये दोनों हीटरों को इसने कनेक्शन दे दिया, और एक इसका जो न्यूट्रल था वो यहाँ से डायरेक्ट आ गया। देखो ये न्यूट्रल चला गया इसमें डायरेक्ट, और ये दो इसके थे, एक और ये दोनों वायर, ये लग गया यहाँ पर, तो ये हीटर का हो गया कंट्रोलिंग सिस्टम, और ये फ़ैन का था। ये फ़ैन का इसने क्या किया, फ़ैन का ये सीधा उठाया कहाँ से, एक न्यूट्रल उठाया यहाँ से और एक फेज दे दिया इसी के साथ, तो ये इसका वायरिंग कंप्लीट हो गई। और ये है इसका थर्मोस्टेट, ये मेन इशू करता है, इसको अभी हम चला के देखते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, वायरिंग समझ में आ गई होगी आपको। जगदीश लगाना इसको, उधर लगा पंखा हटा के लगा।